मेरा चांद मुझे आया है नजर, ऐ रात जरा थम थम के गुजर। छाया है नशा मेरे आंखों पर, ऐ रात जरा थम थम के गुजर। रह जाए ना प्यासा मेरा प्यार, मेरे बाहों में भर दे मेरा यार। ऐ रात जरा थम थम के गुजर, ऐ रात जरा थम थम के गुजर। शामिल हो जाएगा हमारे साथ टू नाइट शो में मंडे टू फ्राइडे फ्रॉम 7 PM टू 12 AM। मिर्ची एफएम, नमस्कार। समाचार दर्शन के साथ मैं हूँ शैरिन लता। यूनाइटेड नेशंस के लिए शांति सेवा प्रदान कर रहे 44 RFMF सोल्जर्स को सीरियन रेबल्स द्वारा बंदी बनाया गया है। फिजी मिलिट्री फोर्सेस के अनुसार उन्हें पूरा भरोसा है कि यूनाइटेड नेशंस डिसएंगेजमेंट ऑब्जर्वर फोर्स और UN ऑफिशियल्स के बीच बातचीत से सीरियन रेबल्स बंदी बनाए गए फिजियन ट्रुप्स को रिलीज कर देंगे। कमांडर ब्रिगेडियर जनरल मुसेसे तिकेटोंगा ने बताया कि UNDOF और सीरिया में स्थित आर्म्ड रेबल्स के बीच अच्छा संबंध है। उनका कहना है कि खेत की बात यह है कि फिजी से UN मिशन के लिए जो दल शांति सेवा प्रदान करने के लिए गए हैं वे बिल्कुल नए ट्रुप है जिन्हें इन रेबल्स का चेहरा ठीक तरह से मालूम ही नहीं है। तिकेतोंगा सभी फिजियन से मांग कर रहे हैं कि वे बंदी बनाए गए सैनिकों की रिहाई के लिए प्रार्थना करें। UN डिसएंगेजमेंट ऑब्जर्वर फोर्स के पीस कीपर्स को ऐसे समय में बंदी बनाया गया है जबकि सीरिया की सरकार के फोर्सेस और प्रोटेस्टर्स के बीच गहरा विवाद चल रहा है। देश के कई इलाकों में झूरे के मौसम का सामना किया जा रहा है। कुछ कुछ मैरीटाइम इलाके जिनमें मलोलो, वातुलेले और यसावा शामिल है में पानी की कमी का सामना भी किया जा रहा है। कमिश्नर वेस्टर्न के दफ्तर के अनुसार उन्हें पानी की सप्लाई के लिए अब इमरजेंसी कॉल्स भी मिलने लगे हैं। अधिकारियों के अनुसार अगर इसी तरह झूरे का मौसम जारी रहा तब एल नीनो का असर भी पड़ सकता है। पीस आर्क नामक जहाज में अब तक 5,890 लोगों का इलाज किया गया है। जहाज जिसमें सभी मेडिकल सेवाएं उपलब्ध है चाइना से आई है तथा जहाज में अब तक 68 ऑपरेशंस किए गए हैं। मिशन कमांडर शेन हाओ ने बताया कि उनका मुख्य लक्ष्य है प्रशांतीय लोगों को मुफ्त में इलाज प्रदान करना। जहाज आज सुबह हाबा से वनुआतू के लिए छूटी। और खेलकूद में लौतोका ब्लूज ने भले ही इस सीजन कुछ खास कमाल नहीं दिखाया है हालांकि वे कल मबा के खिलाफ इंक मोबाइल बैटल ऑफ द जाइंट्स के सेमीफाइनल को जीतने का लक्ष्य रख रहे हैं। टीम के कैप्टन एल्विन अविनेश ने बताया कि सभी खिलाड़ियों ने इस मैच के लिए काफी मेहनत की है। लौतोका की भिड़ंत दूसरे सेमीफाइनल में मबा से शाम 5 बजे होगी। इससे पहले शाम 3 बजे सुबह का सामना रेवा से होगा। ये थे आज के मुख्य समाचार। शुभरात्रि। तो आप हमें बता सकते हैं कि जो बलात्कार हो रही हैं इसको कैसे रोक सकते हैं? आप हमें अपनी राय दे सकते हैं श्रोताओं की जो आग लग रही है दोष किसका है, किसको हम दोष दे सकते हैं, इस पर हम किसको दोष दें, ड्राइवर्स को या फिर पुलिस को? नमस्ते फीजी, देश की धड़कन रेडियो फीजी 2 पर मैं मोहिनी। हमारे साथ में शामिल हो जाइएगा दृष्टिकोण प्रोग्राम में हर सोमवार से शुक्रवार तक रात 7 से 8 बजे तक दृष्टिकोण प्रोग्राम में।